अचानक से लेट गई और टीवी चली गई और ये चार्जर का देखो क्या हाल होगा। क्या हुआ था? एलईडी को खराब हुई ऊपर की। अच्छा, और ये पंखे लाइट हुए जितने भी एलईडी लाइट थे पूरे शॉर्ट हो गए। ये सब लाइट खाली बाथरूम में का है, जीरो बल्ब है वो चालू होगा। बाथरूम का उतना ही चालू होगा, पूरा अंदर रहेगा। अच्छा, अंजनगर के अंदर 4:30 बजे से लाइट गई हुई थी। हमने काले साहब को फोन मारे, काले साहब ने फोन उठाया नहीं। और जबकि यहाँ टीवी में इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्या पूरे घर के टीवियाँ, ट्यूबलाइट, पंखे, चार्जर सब फट गए। इंडो है वो सेगड़ी का इंडेक्स, सेगड़ी का इंडेक्स और तुम्हारे टीवी सब पूरा खत्म हो गए। चार्जर सेकिल, ये चार्जर, चार्जर, ये चार्जर देखो, ये चार्जर देखो, फुट के हाथ में आ गया, ये चार्जर पूरे फुट गए। काले साहब को कम से कम 10 बार फोन मारे हम, काले साहब ने कुछ फोन नहीं उठाए, रिसीव नहीं आई नहीं। तुम्हारा क्या हुआ? 5 लाइटा चल गई, एक टीवी फूट गई। अपना इंडक्शन 2 CFL सीलिंग पे। अखिल भाई बोला मेरे 5 चार्जर फूटे और मोबाइल का कोई नुकसान हुआ वो पता नहीं आएगी, वो सुबह में पता चलेगा कि जब लाइट आ जाएगी। मेरे घर की दुकान है क्या तुम्हारी? हाँ मेरी दुकान है, अखिल मोबाइल शॉप। हमने काले साहब को इतने बार फोन करे, उन्होंने एक बार भी नहीं उठाया। एरिया बोलो, नाम बोलो। विजयनगर के अंदर और ऑफिस के ऊपर भी गए तो वहाँ पे भी कोई नहीं था। 4 बजे से लाइट गई हुई थी और अभी इन्होंने काम चालू करे और 8 बजे जो लाइट आई उसके अंदर पूरे टीवी, फ्रिज, चार्जर ये सब के सब उड़ चुके और ये स्लम एरिया है और ये लाइट बिल के लिए तो टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन अब ये इसकी भरपाई कौन, महावितरण करेगा या कौन करेगा? ये जो गरीबों का नुकसान हुआ इसका कौन करेगा? हमारी राय तो ये है, एक तो डिब्बी चेंज करो, तो वो डिब्बी निकाल के वही डिब्बी डालो और इसकी भरपाई कौन करेगा? काड़े साहब करेंगे या महावितरण करेगा? ये हमको इसका जवाब दो ना। जो हमारे शहर की जो ये मोंडा मार्केट है, मोंडे का जो हिस्सा है खास तौर पे, तो हम ज़माने से देख रहे हैं कि इसका जो काम है पहले जैसा था उससे भी कई तरह बिगड़ चुका है। तो बड़े लेवल पे आज जो लोग आते हैं, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी आती है, तो ये वायर्स उसको काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। स्पार्क होने के चांसेस है, इससे पहले भी वहाँ इंसिडेंट हो चुका है, शुगर की जो गाड़ी थी तो उसमें आग लग चुकी। मेरा ये MSEB से जो मुतालबा है ये है कि इसमें जो है ऑलरेडी टेंडर निकला कि पुराने पोल्स बदलने वाले हैं, तो अभी जो नया ये लोग अच्छे से काम करना चाह रहे हो उसमें और बेहतरी से काम हो और ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम हो कि वायर जो इसमें है आज भी पुराने तरीके से आज भी नीचे लटक रहे हैं। आप कई सारे ड्राइवर से इसके बारे में सजेशन ले सकते हैं, काफ़ी उनके अंदर जो है हिचकिचाहट रहती कि एरिया में आना कैसा और इसके लापरवाही का जिम्मेदार। और इस अब खुदा ना खास्ता ये स्टेप ना लिए और कुछ बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो इसके लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? हमारे जगह के वॉचमैन साहब है जो खास तौर पे ज़्यादातर इससे वाकिफ़ है, आप पूछिए इनसे। ये जो वायर जा रही लाइन इसमें पूरे कभी भी सिंगारे निकलती रहती है, गाड़ियाँ खड़े रहती, गाड़ियाँ आती जाती रहती, धक्का लग जाता, धक्का उक्का लगता कभी भी उसमें, पहले गाड़ी पहले सिलक गई थी इसके पहले यहाँ पे। आप एक काम करिए, ड्राइवरों से उनकी पर्सनल राय ले लीजिए। हमने जो हाइट वाला मार ले गया था वहाँ को बहुत तकलीफ होती इधर आने में, ये जो तार ये लगते लुकते गाड़ी जल गई, इसको जिम्मेदार कौन रहेगा? ये प्रशासन से मेरी ये वो है गुजारिश है, तार का कुछ ना कुछ सोल्यूशन काढ़ो तुम। इधर ये मोहल्ले वालों को भी उससे तकलीफ होती है, उससे हाइट लगती, इधर की लाइन चल जाती, वो हो जाती, उनको उससे तकलीफ आती, फिर वो रात बेरात को इधर आके गाड़ी वालों को हमको मारते, कुछ भी तोड़ फोड़ करते। हमारी मोहल्ले के अंदर गाड़ियाँ आती बड़ी हाईटेक वाली,
ये तारा तुरा पूरा लगता है, इससे पहले ये यहाँ का वायर टूटा हुआ था और उसके पहले शक्कर की गाड़ी जली थी वहाँ पे। अभी परसों के दिन यहाँ पे वायर टूटा था मंदिर के पास में, वो मंदिर के पास में वायर है वो पूरे गाड़ी को लगते। अभी मार्केट है, मार्केट के अंदर गाड़ी आती है ना, तो कभी भी चिंगारी निकलती है टाइम के ऊपर वायरों में।